बैक टू द चैनल एवरीवन। एक महीने से भी कम का समय बचा है प्रो कबड्डी सीजन 11 चालू होने में और आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं बेंगलुरु बुल्स के सारे मैचेस के बारे में, ए टू जेड सारे मैचेस, जो 22 मैचेस बेंगलुरु बुल्स खेलने वाली है उसके बारे में आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं। और अब प्रो कबड्डी सीजन 11 पे बहुत सारी वीडियोस आने वाली है, नीचे कमेंट करके अभी बता देना कि अगली कौन सी टीम कवर करूं और इसी के साथ साथ और क्या वीडियोस आपको प्रो कबड्डी सीजन 11 के ऊपर चाहिए। तो चलो शुरुआत करते हैं। बेंगलुरु बुल्स का जो पहला मैच है वो पहले ही दिन होने वाला है, 18th अक्टूबर 2024 को आपको पहला मैच देखने को मिलने वाला है, बेंगलुरु बुल्स वर्सेस तेलुगु टाइटंस। इसके बाद बात करते हैं दूसरे मैच की, तो वो है 20th अक्टूबर को गुजरात जायंट्स के साथ आपको बेंगलुरु बुल्स वहां पर खेलते हुए दिख जाएगी। इसके बाद 22nd अक्टूबर को आपको मैच देखने को मिलने वाला है यूपी योद्धास और बेंगलुरु बुल्स के बीच में, वो मैच रहने वाला है। इसके बाद 25th अक्टूबर को मैच है पुनेरी पल्टन के साथ। इसके बाद 29th अक्टूबर को आपको दबंग दिल्ली केसी के साथ मैच देखने को मिलने वाला है। इसके बाद 2nd नवंबर 2024 को तेलुगु टाइटंस की टीम के साथ एक बार फिर से आपको मैच होते हुए दिख जाएगा। 4th नवंबर को आपको तमिल थ्राइवर्स के साथ मैच देखने को मिल जाएगा और इसी के साथ आखिरी मैच हैदराबाद लेग का आपको 9th नवंबर को देखने को मिलने वाला है, जो बंगाल वॉरियर्स की टीम के साथ होने वाला है। इसके बाद नोएडा लेग की बात करें तो नोएडा लेग में भी आपको 7 मैचेस देखने को मिलने वाले हैं। पहला मैच 12 नवंबर को जयपुर विंग पैंथर्स की टीम के साथ होने वाला है। इसके बाद 16 नवंबर को दबंग दिल्ली केसी की टीम के साथ होने वाला है। इसके बाद 18 नवंबर को यू मुंबई की टीम के साथ होने वाला है। इसके बाद 19 नवंबर को आपको पटना पायरेट्स की टीम के साथ मैच होते हुए दिख जाएगा। 21st नवंबर को आपको हरियाणा स्टीलर्स मिलने वाली है। 25th नवंबर को आपको यू मुंबई की टीम मिलने वाली है और 30th नवंबर को आपको पटना पायरेट्स की टीम से एक बार फिर से मैच होते हुए दिख जाएगा। ये नोएडा लेग की बारी हो गई। इसके बाद पुणे लेग की बात करते हैं तो पुणे लेग में भी 7 मैचेस होने वाले हैं, जहां पर आपको शुरुआत होते हुए दिख जाएगी 3rd दिसंबर को गुजरात जायंट्स के साथ। इसके बाद 10th दिसंबर को सीधे 7 दिन बाद मैच है। इसके बाद 11th दिसंबर को अगले ही दिन हरियाणा स्टीलर्स की टीम के साथ मैच है। फिर 13 दिसंबर को आपको पुनेरी पल्टन के साथ मैच देखने को मिल जाएगा। 17 दिसंबर को आपको जयपुर विंग पैंथर्स की टीम मिलेगी। 22 दिसंबर को आपको तमिल थलाइवास की टीम मिलने वाली है और लास्ट मैच जो इनका होने वाला है वो है यूपी योद्धास की टीम के साथ 24th दिसंबर को। तो ये पूरे बेंगलुरु बुल्स के 22 मैचेस रहने वाले हैं तीनों सिटीज में, मैंने आपको बता दिया। अम्मी तरफ से आज की ये वीडियो थी। अभी बहुत सारी वीडियोस मैं बिल्कुल से ट्राई कर रहा हूँ कि प्रो कबड्डी सीजन 11 पे आपके लिए लेके आऊँ। तो बस चलो, तो मेरी तरफ से आज की वीडियो थी, अच्छी लगे तो शेयर कर देना। बाय बाय, टेक केयर।